नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी टेन न्यूज पर। आज हमारे बीच राजा भैया संगठन के बहुत ही उनके करीबी माने जाने वाले ठाकुर युवराज सिंह आलोक मौजूद हैं, जो कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का जो कल देहांत हो गया है उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। सर बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में कल जो हमने देखा, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक पुत्र माता का स्वर्गवास हो गया, प्रधानमंत्री जी की माता का। 3:30-4 बजे उनका स्वर्गवास हुआ, 6 बजे देश को जानकारी मिली, 9 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं और 10:30 बजे तक सारा संस्कार क्रियाक्रम करके 11 बजे अपनी हिंदुस्तान के प्रति जो उनका निर्वहन है, जो उनकी ड्यूटी है, उस पर वो लग जाते हैं। कल सारा इस तरह का सीन देखकर मैं आपको छोटी सी अपने पिता की बात बताऊंगा। हमारे पिता ने अपने जीते जी हमको बोल दिया था, दोनों भाइयों दोनों बहनों को, कि बेटे जहां मेरी मृत्यु हो वहीं मेरा संस्कार कर देना, अपने ऑफिस की कोई छुट्टी मत करना। और जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म है कि हम सिर भी कराते हैं, सारी चीज़ कराते हैं, उन पर भी ब्रेक लगा। आर समाजी थे हमारे पिता। प्रधानमंत्री जी का जो एक आम नागरिक होता है, एक आम इंसान होता है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी माता को कंधा दिया और बिना किसी आडंबर के वो सरकारी हॉस्पिटल में ही पहले एडमिट रही, किसी हाई फाई बड़े हॉस्पिटल में नहीं रही एडमिट भी, और सरकारी वाहन से उनके सबको ले जाया गया और एक पुत्र नरेंद्र मोदी के रूप में सरकारी वाहन में बैठे हुए हैं। और वहाँ जाकर भी एक जो शमशान घाट है आम लोगों का, वहाँ पर उन्होंने संस्कार कर दिया। वरना कोई भी दूसरा व्यक्ति होता मोदी जी की जगह पर तो पूरा जमावाड़ा होता, पूरा हिंदुस्तान एकत्रित होता, हर स्टेट का मुख्यमंत्री होता, गवर्नर होते, रखने के लिए, दर्शन के लिए उनका सब रखा जाता और 2 दिन लग जाते और अलग अलग होड़ लग जाती हर मुख्यमंत्री को कि मैं अपने स्टेट में छुट्टी 1 दिन की करता हूँ या 3 दिन की करता हूँ, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाता। लेकिन अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं संगठन में या सरकार में, कि आपके जिस तरीके से पूर्ववत कार्यक्रम लगे हुए हैं, कोई कार्यक्रम कैंसिल नहीं करना है, कोई कार्यक्रम पोस्टपोन्ड नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को इसमें सीख लेना चाहिए कि जिस तरीके का आडंबर, जिस तरीके का दिखावा, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, विशेष रूप से नेता नगरी में नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए हैं, बड़ा आडंबर होता है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात को बहुत गहराई से आपको व्यक्त कर रहा हूं और खुद भी बड़ा इस चीज़ से प्रभावित हूं। प्रधानमंत्री जी की माता को, प्रधानमंत्री जी के परिवार के जितने भी लोग हैं उनको अपने संगठन की तरफ से बिल्कुल भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। शोक संतप्त परिवार को, सभी को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु प्रधानमंत्री जी की माता को, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और जहाँ भी उनका नए रूप में उनका जन्म हो, हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म माना जाता है जो एक साइंटिफिक प्रूफ भी है, तो वहाँ वो ठीक रहें। और जिस तरीके का पुत्र उन्होंने दिया हिंदुस्तान को, जिस पर पूरा देश गर्व करता है, उस तरीके की परंपरा आगे भी चली रहे। मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ और प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। कल का उनका जो ये चीज मैंने देखा, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इंप्रेशन पड़ा मेरे ऊपर, सादर नमन करता हूँ जी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक पुत्र होते होते उन्होंने अपनी माता की सारी चीजें तो की उनके देहांत के बाद, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र को भी प्रथम स्थान ही दिया था। वो वर्चुअली जुड़े और उन्होंने कई ऐसे सौगाते देश को दी, अपनी माता को सामने रखते हुए भी उनकी माता की सारी जो विधि विधान से चीज़ें की गई उसके बाद उन्होंने देश को भी अपना दायित्व सौंपा और ये कहीं किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक के ही पुत्र थे। वो कहते हैं कि वो मैं पूरे देश का पुत्र हूँ, तो उन्होंने वैसे ही अपना पूरा कर्म निभाया। देखिए, इससे पहले हमने जब कोरोना था, योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा। योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हो गया था। अब योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, क्योंकि कोविड का बड़ा बुरा हाल था, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। जो अलग तरीके के लोग हैं, जो सिर्फ विरोध करते हैं,
उन्होंने ये कहकर दुष्प्रचार किया कि ये किसका भला कर सकते हैं जब अपने पिता के देहांत में भी नहीं पहुंचे। आप ये समझिए कितनी गलत बात, कितना बड़ा त्याग किया योगी जी ने उस समय। और आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, हिंदुस्तान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चलिए, और योगी आदित्यनाथ जैसा उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पूरे देश में, क्या पूरे एशिया में व्यक्ति नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर ऊपर उठकर इस चीज़ को स्वीकार करिए। मन में हर व्यक्ति जानता है लेकिन मुंह से बोलने में शर्म आती है, तो इस शर्म का पर्दा हटाइए। जो सही बात है उसे बोलने में बेबाकी से बोली, जिस तरीके से मेरे पिता या चंद्रशेखर जी या लोहिया जी बोला करते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये तमाम मुद्दों पे आपने बात की, और साथ ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को श्रद्धांजलि दी। हम भी अपने चैनल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि